दोस्तों ये सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगेगा, लेकिन आदि पुरुष अब रिलीज नहीं होगी। मतलब जिस तारीख को रिलीज होने वाली थी उस तारीख को रिलीज नहीं होगी, बल्कि अब इसकी रिलीज डेट को काफी आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसा आखिर क्यों हुआ, इस पर हम गंभीर मजाक करने वाले हैं। वैसे तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, पर हम पहले उस कारण के बारे में समझते हैं जिसने आदि पुरुष और ओम राव दोनों की इज्जत के एल लगाए हुए हैं। आदि पुरुष के कार्टूनिस्ट VFX और CGI। अब इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत सी चीजों पर वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं, तुम्हें अगर जानना है तो वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे, इस वीडियो के बाद तुम उन्हें देख सकते हो। अब आदि पुरुष के टीजर ने मेकर्स की जो इज्जत ली थी उसके बाद उनके पास दो ही रास्ते थे, एक तो वो अपनी गलती को ना मानकर अपनी शेख चिल्ली वाले बातें मीडिया में बताते रहे, या फिर सच में अपनी गलती को मान के इस कांड को सुधारने की कोशिश करें। हालांकि शुरुआत में ओम राउत ने अपनी शेख चिल्ली वाली कहानियां लोगों को बताई भी। ओम राउत ने मीडिया के जरिए लोगों को ये कहा कि हमारी मूवी छोटे स्क्रीन के लिए नहीं बनी। मतलब सच में यार, इन्हें लग रहा था कि हम लोग तो मार्स पर रहते हैं और हमें तो पता ही नहीं कि 3D में मूवी कैसी दिखती है, इसीलिए ये हमें आसानी से उल्लू बना के अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। लेकिन अब जब आदि पुरुष की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया ही जा रहा है, तो हो सकता है कि ओम राउत को टाइटैनिक डूबने से पहले ही पता चल गया कि इसमें छेद है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों मुद्दे की बात ये है कि शायद इसके पीछे का सीधा और सरल कारण ये होगा कि VFX और CGI को मेकर्स और सुधारना चाहते हो। लेकिन वहीं पे Mirchi9 की रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि चिरंजीवी स्टारर फिल्म वॉल्टेयर वीरैया और नंदमुरी बालकृष्ण स्टारर फिल्म वीरा सिम्मा रेड्डी भी उसी हफ्ते रिलीज की जा रही है जिस हफ्ते आदि पुरुष रिलीज होने वाली थी। और आजकल साउथ का जो भोकाल फिल्म इंडस्ट्री में है वो तो तुमको पता है, और अगर ऐसे में VFX बिना बदले मेकर्स आदि पुरुष को उसी डेट पर रिलीज करते तो दो दो की फिल्मों के बीच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आदि पुरुष बुरी तरह पीटती। अब और दूसरी एक बड़ी वजह है SRK की पठान मूवी, क्योंकि 25 जनवरी 2023 को SRK की बड़े बजट वाली मूवी रिलीज होने वाली है। लेकिन इसके ठीक 13 दिन पहले यानी कि 12 जनवरी को ही आदि पुरुष आने वाली थी, और इसमें बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों फिल्मों की टक्कर जरूर होती। VFX और CGI को मिले बुरे रिस्पॉन्स की वजह से मेकर समझ गए थे कि पठान आदि पुरुष पर भारी पड़ती, इसलिए शायद इसे पोस्टपोन किया गया हो। लेकिन अब आगे आदि पुरुष का क्या होगा, ये सवाल आपके भी मन में उछल रहा होगा। वैसे अगर मेरे तल्लक दिमाग की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है या तो मेकर्स मूवी में सुधार करेंगे, उसके VFX और CGI पर और काम करेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें ऑलरेडी टी सीरीज के 500 करोड़ लगे हुए हैं, तो ऐसा करना बजट को और बढ़ा देगा। इसीलिए ये भी हो सकता है कि मेकर्स इसमें कोई भी चेंजेस ना करे, पर क्योंकि आदि पुरुष की रिलीज डेट पोस्टपोन करने पर इसे बॉक्स ऑफिस पर सोलो रिलीज मिलेगी, इसलिए शायद ऐसा किया गया हो। खैर अब अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो आदि पुरुष के मेकर्स 2023 की गर्मियों में इसे रिलीज करेंगे। लेकिन मैं तुमको पहले ही बता दूं कि अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वैसे आपकी इस पर क्या सोच है, क्या आदि पुरुष को पोस्टपोन करना चाहिए, और अगर करना चाहिए भी तो इसमें और कौन कौन से चेंजेस आप देखना चाहोगे कमेंट में मुझे जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। मुझसे अगर पर्सनली मिलना चाहते हो तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करना, क्योंकि यार हमें इस साल के पूरे होने से पहले ही 10,000 का टारगेट भी तो पूरा करना है। तो चलता हूँ, फिलहाल के लिए तो टाटा बाय बाय, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।